एक विधवा माँ अपनी बेटी को पाल रही थी, बड़ा कर रही थी, उसको पढ़ाया 12वीं क्लास तक और अच्छे से उसकी शादी करना चाहती थी, यही ख्वाब अपने दिल में लिए बैठी थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है उसकी बेटी के द्वारा और फिर बेटी विधवा माँ की लाश के सामने ही दो प्रेमियों के साथ संबंध बनाया करती थी। और दोस्तों फिर खुलता है राज जब उस लड़की का मामा उसके घर आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मुंबई के लालबाग इलाके की है और हाल ही की घटना है, जहां पर थाने में 15 मार्च को एक शख्स आता है और वह कहता है कि साहब मेरी बहन जो कि विधवा है उसके साथ उसकी बेटी रहा करती है और मैं उनका भरण पोषण कर रहा हूँ और मैं वहीं पर पैसे दे दिया करता हूँ खर्चे के लिए, लेकिन 3 महीने से मेरी बात मेरी बहन से नहीं हो पा रही है। उसकी जो बेटी है रिम्पल, वह हमें बात ही नहीं करने देती है हमारी बहन से, तो हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभी मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ तो खिड़की से जब झांक कर देखता हूँ तो मेरी भांजी दरवाज़ा नहीं खोलती है और मुझे बहुत बुरी दुर्गंध आती है। दोस्तों पुलिस के सामने यह बात कही जाती है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और पहुंच जाती है उस किराए के मकान पर जहां पर उस शख्स की बहन अपनी लड़की के साथ रहा करती थी। वहां जाकर देखती है पुलिस कि दरवाज़ा बंद है और अंदर वह लड़की है रिम्पल जो कि उस शख्स की भांजी थी, और पुलिस बाहर से दरवाज़ा खटखटाती है तो वह दरवाज़ा नहीं खोलती है। वह कहती है कि माँ यहाँ पर नहीं है, लेकिन पुलिस को कुछ बदबू आ रही थी, तभी दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। तोड़कर जैसे ही पुलिस घर के अंदर घुसती है तो इतनी बुरी दुर्गंध आती है कि सभी अपने मुंह पर रुमाल रख लेते हैं और टिका नहीं जाता है। पुलिस इधर उधर नज़र घुमाती है तो एक अलमारी थी जहाँ पर जिसके किवाड़ों पर कीड़े चल रहे थे, उस अलमारी को खोलकर देखा जाता है तो इंसानी मांस का लोथरा जो कि पन्नी में पैक था वहाँ पर रखा हुआ था, उसमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। उधर आटे का एक वो होता है ड्रम स्टील का, उसको उघार कर देखा जाता है तो उसके अंदर एक डेड बॉडी को यानी कि लाश के टुकड़े को केमिकल डालकर गलाया जा रहा था, उसमें से भी बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी और वहाँ पर तकरीबन 100 परफ्यूम की बोतलें पड़ी हुई थी। अब दोस्तों पुलिस मामले को तुरंत समझ जाती है और उस लड़की को अरेस्ट करके और फिर पूछताछ में जुट जाती है। लड़की से पूछा जाता है कि मामला क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की जिसका नाम रिम्पल जैन होता है, जिसकी उम्र 23 साल है, जो कि 12वीं क्लास तक पढ़ी है, उसके बाद घर पर ही बैठी हुई थी। वह बताती है कि मेरी माँ जिसका नाम वीना जैन था, 40 साल उसकी उम्र थी, और उसके पिता की मौत हो जाती है तो दोनों माँ बेटी निसहाय बेसहारा हो जाती हैं। लेकिन जो विधवा माँ थी वीना जैन, उसका भाई उसका गुजर बसर कर रहा था, महीने के महीने उसको खर्चा भेज दिया करता था और कहता था कि बहन आप आराम से रहो, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लड़की की शादी भी मैं आप कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर वीना जैन अपनी बेटी को लेकर रह रही थी, तभी क्या होता है, जो रिम्पल जैन होती है जो वीना जैन की बेटी होती है उसकी नज़रें किसी लड़के से मिल जाती हैं सोशल मीडिया पर, और लड़के से वह बात किया करती है और एक नहीं 2-3 लड़कों से उसकी नज़रें मिल जाती हैं। उनसे दिन भर वह फ़ोन पर बातें किया करती है। 12वीं क्लास पढ़ने के बाद अब वह घर बैठ चुकी है और लड़कों से बातें किया करती है। यह बात उसकी विधवा माँ वीना जैन को पसंद नहीं आती है, वह उसको रोकती है टोकती है। लेकिन अब जैसे ही वह वीना जैन अपनी बेटी रिम्पल जैन को रोकती टोकती है तो रिम्पल जैन को अपनी माँ कबाब में हड्डी दिखाई देने लगती है। उसको लगता है कि यह मेरे प्यार में यानी कि वह मेरी अय्याशी के बीच में आ रही है। अब रिम्पल जैन अपनी माँ की मौत की प्लानिंग करने लगती है। अब क्या होता है, एक दिन उसकी माँ सो रही थी और रिम्पल जैन पहले से ही इलेक्ट्रिक कटर लेकर आ जाती है बाजार से और सोती हुई माँ की गर्दन को काट देती है। उसके बाद वह उसके टुकड़े करती है और टुकड़ों को एक को तो आटे के ड्रम में रख देती है, आटे को खाली करके उस ड्रम में केमिकल डाला जाता है, उसको गलाने की तैयारी करने लगती है। कुछ पीसेस को वह अलमारी में रख देती है और कुछ पीसेस को वह बाथरूम लेटरिन टॉयलेट सब जगह मतलब एक एक पीस करके अपनी माँ के इधर उधर रख देती है। उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाया करती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो विधवा थी वीना जैन, उसका भाई उसके लिए हर महीने खर्चा भेजता है, तो जैसे महीना कंप्लीट होता है तो उसका भाई अपने बड़े लड़के को भेजता है कि जाओ अपनी बुआ को खर्चा पानी दे आओ। बड़ा लड़का आता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से रिम्पल जैन कहती है कि यहाँ पर मम्मी नहीं है, तो वह लड़का सोचता है कि शायद बाजार गई होगी, तो वह वापस चला जाता है क्योंकि वह कॉलेज पढ़ने आया था तो रास्ते में घर पड़ता था तो वह वैसे ही वहाँ पर आ गया था। उसके बाद उसके भाई को यानी कि वीना जैन के भाई को चिंता होती है कि महीना तो हो गया लेकिन बहन ने अभी तक खर्चा नहीं मांगा है।
उसके बाद वह चुप लगा जाते हैं, एक महीना गुजर जाता है, अगला महीना फिर से होता है, फिर अब की बार जो वह मामा होता है रिंपल जैन का, वह अपनी बड़ी बेटी को भेजता, वह भी कॉलेज जाया करती थी वहीं से गुजर कर। बड़ी बेटी जाकर दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी जो बुआ की लड़की है रिंपल जैन, वह अंदर से आवाज़ लगा देती है कि मम्मी यहाँ पर नहीं है। तो उसको शक होता है कि आखिर बात क्या है। उधर जो वीना जैन का भाई था वह बार बार फ़ोन कर रहा था पिछले एक महीने से, और अब दो महीने गुजर चुके थे और फ़ोन वीना जैन नहीं उठा रही थी। अगर फ़ोन उठाया भी जाता था तो उस फ़ोन पर रिंपल जैन यानी कि उसकी भांजी बोला करती थी, और वह हर बार नया बहाना बना दिया करती थी कि माँ बाहर गई है, या माँ नीचे है, या माँ नहा रही है। इस तरह का बहाना बनाकर वह फ़ोन को रख दिया करती थी। यहाँ पर रिंपल जैन के मामा को शक हो जाता है, और दूसरा शक तब पुख्ता हो जाता है जब उसका मामा लड़की को भेजता है दूसरे महीने पैसे लेकर कि अपनी बुआ को जाओ खर्चा देकर आ जाओ। लेकिन वहाँ पर रिंपल जैन अभी भी दरवाज़ा नहीं खोलती है, और वह लड़की, मामा की लड़की वापस उल्टी आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पापा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वह दरवाज़ा नहीं खोलती है रिंपल। अब उसका मामा भी वहाँ पर जाता है और मामा भी दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से ही रिंपल जैन कह देती है कि मम्मी यहाँ पर नहीं है। और मामा को खिड़की में से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी, मामा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है, क्योंकि पिछले दो महीने से लगातार वह बात करने की कोशिश कर रहा था अपनी बहन से लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। रिंपल जैन बीच में आ जाया करती और उसको अटकलें लगा दिया करती थी। तुरंत वह मामा पुलिस थाने में पहुंचता है, पुलिस आती है, पुलिस को सारी घटना बताई जाती है, और दरवाजे को जब खोला जाता है तो वहां से उस वीना जैन के लाश के टुकड़े मिलते हैं। किसी को गलाया जा रहा था, कोई अलमारी में रखी हुई थी, किसी को कीड़े लग रहे थे, और उस घर के अंदर इतनी दुर्गंध आ रही थी कि उस घर के अंदर तकरीबन 100 परफ्यूम की बोतलें मिलती हैं, परफ्यूम छिड़का करती थी जिससे कि बदबू घर से बाहर ना जाए, लेकिन वह बदबू ऐसे परफ्यूम से रुकने वाली नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अजीब बात यह है कि अड़ोस पड़ोस में भी लोग वहाँ पर किराए पर रहा करते थे, उनको भी वह महक नहीं आई, भनक तक नहीं लगी। दोस्तों यहाँ पर राज खुलता है, पुलिस वाले रिंपल जैन को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और फिर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन दो लड़कों से जिनसे बात किया करती थी आखिर वह कौन थे, और इस केस का खुलासा यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यह केस चल जाता है, रिंपल जैन को जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसी ऐसी बेटियाँ भी इस समाज के अंदर रहती हैं, ऐसी बेटी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो माँ अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से रोक रही थी उसी माँ को मौत के घाट उतार दिया और कहा कि मैं तो गलत रास्ते पर ही जाऊंगी, ऐसी औलाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, ऐसी औलाद से तो औलाद ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी औलाद का आखिर करें क्या, जो ज़िंदगी की जान, जो इंसान की जान पर बनाए और फिर भविष्य को ख़राब कर ले। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, और ऐसा वैसा कृत्य कभी भी ना करें जिससे कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।